आ गया है दोस्तों शादियों का सीजन और आज हम बनाएंगे एक वेडिंग इनविटेशन। दोस्तों कैनवा डिजाइन पर मैं आ जाऊंगा canva.com पर, यहां पर क्रिएट डिजाइन पर क्लिक कर लूंगा, बैकग्राउंड लूंगा ब्लैक और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक गोल्डन सा इफेक्ट। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लिया है, ये वाला वीडियो इसको मैं भेज दूंगा बैकग्राउंड में और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इसको हाफ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। प्लेबैक इसका मैं कर देता हूँ 2 सेकंड ताकि थोड़ा ये फास्ट चले। यहाँ पर फिर ग्राफिक्स में आके मुझे कुछ रे सेलेक्ट करनी है गोल्डन सी, तो ये मैंने ये वाली ले ली है। इसको मैं फिर अपने चारों कोनों में लगाऊंगा, इसका एनिमेशन मैं सेट कर दूंगा रोटेट का और इसकी कॉपी कर करके मैं लगा दूंगा चारों कोनों में। चारों कोनों में लगाने से क्या होगा कि इसका एक अच्छा बॉर्डर इफेक्ट आ जाएगा और वो बहुत ही बेहतरीन लगता है जब आप इसे मोबाइल में विजिट करेंगे। तो ये चारों तरफ मैंने लगा दिया है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी लेना है। तो ये सारा सेट होने के बाद मैं फिर अपना टेक्स्ट ऐड कर लूँगा। मैं टेक्स्ट में आया, यहाँ मैंने फॉन्ट मुझे जो यूज़ करना है ना वो मैं सिंजल यूज़ करता हूँ। तो दो फॉन्ट अपन यूज़ करेंगे, सिंजल और सिंजल डेकोरेटिव। तो सिंजल में यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया है और इसको मैं साइज़ कर देता हूँ 60 और ऊपर की तरफ सेट कर दूंगा। एक कॉपी और बनाऊंगा जिसमें सिंजल डेकोरेटिव, यहाँ पर अपन बड़े टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भगवान का नाम लिखा है लॉर्ड गणेश, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका साइज़ 90 कर दिया है और अभी इन दोनों की पोजिशन में आराम से यहाँ पर कर लूँगा सेट। तो दोनों को सेलेक्ट करके मैं ऊपर नीचे आसपास ले आऊँगा, फिर इसको सेंटर अलाइन भी कर लूँगा और फिर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ अच्छे इफेक्ट और एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे नियॉन इफेक्ट आपने लगाया तो कुछ इस तरह का दिखेगा, आप एनिमेट कर सकते हैं। फेड एनिमेशन या इसी तरह का कोई और एनिमेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन आपको मिलते हैं। इसके बाद ये जब आप प्रकार रेडी हो जाए पूरी स्लाइड, तो इसकी लेंथ को आप छोटा कर देना, 3 सेकंड तक बहुत रहेगा मेरे ख्याल से। और इसकी अपन कर लेंगे डुप्लीकेट, यहाँ अपन लिखेंगे फैमिली का नाम, जैसे मैंने लिख दिया द फैमिली ऑफ शर्माज, आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एक कॉपी नीचे मुझे टेक्स्ट लिखना है इसका फॉन्ट साइज बढ़ा करके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नीचे की तरफ इनवाइट्स यू, आप कोई भी मैसेज यहाँ पर डाल सकते हैं। सेंटर लाइन कर लूँगा सेलेक्ट करके, तीसरी स्लाइड में बनाऊंगा, यहाँ पर अपन को दूल्हा दुल्हन का नाम फोटो वगैरह लगानी है। तो सबसे पहले ऊपर मैं लिख देता हूँ वेडिंग या वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ, यहाँ पर पहले लिखा दूल्हे का नाम, इसकी कॉपी कर ली जिसमें लिख लिया मैंने एंड, और इसी तरह से आप मैं लिख लूँगा दुल्हन का नाम, आप चाहें तो वेड्स भी बीच में लिख सकते हैं, दोनों ही चलते हैं। और नीचे एक टेक्स्ट मैंने मूव कर लिया। अब इसको अपन पोजीशन वगैरह सेट कर लेंगे तीनों की साइज़ वाइज सेट करके, इसको एकदम ब्यूटीफुल सा प्रोफेशनल सा लुकिंग सा एलिगेंट लुकिंग वाला टेक्स्ट अपन बना देंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा छोटा करके प्रॉपर सेट कर लूँगा, इसको नीचे वाला टेक्स्ट हटा देता हूँ। अपन को एक फ़ोटो ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर फ्रेम्स सर्च करूँगा। तो कैनवा में दोस्तों इस तरह के फ्रेम्स आपको मिलते हैं, तो फ्रेम्स में जब मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं हार्ट को सर्च करूँगा तो देखिए कैसा हार्ट मिल जाएगा। हार्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा नीचे लेके इसके अंदर मैं एक बार फ़ोटो डाल देता हूँ। आप फोटो अपलोड करके डाल देना, मैं एक बार नेट से कोई भी फ़ोटो यहाँ पर चिपका रहा हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, इसको मैं ऊपर ले लूँगा और अपना रिसाइज वगैरह कर लूँगा, बाकी टेक्स्ट को ऊपर नीचे करके सेट कर लेंगे और इसको अपन यहाँ पर मूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आपका ये टेम्पलेट देखिए ये भी लगभग रेडी हो चुका है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वगैरह मैं कम कर देता हूँ। और इसी तरह से फिर अपन क्या करेंगे, एक हार्ट का एनिमेशन यहाँ पर सर्च करेंगे GIF एनिमेशन। तो ये देखिए कितना शानदार ये गोल्डन सा रे का इफेक्ट दिखता है। इसको थोड़ा आपको पोजिशन वोजिशन सेट करके प्रॉपर कर लेना है, जैसे इसको मैं नीचे ले लिया, हार्ट को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और रिसाइज कर देता हूँ ताकि हार्ट का जो रे का एनिमेशन है वो उसके हार्ट के एकदम ऊपर की तरफ आए, एकदम अच्छा सा गुड लुकिंग सा वो लगना चाहिए, एलिगेंट लगना चाहिए, सो ब्यूटीफुल एंड सो एलिगेंट वो लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेयर इसको बैकवर्ड कर देता हूँ इसको, और ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो इसकी लेंथ मैं बढ़ा देता हूँ 4 से 5 सेकेंड। एक स्लाइड और मैं लास्ट में बनाऊँगा जो मैंने दूसरे स्लाइड की कॉपी कर ली, जिसके अंदर अपन लिखेंगे सेव द डेट। डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए किसी भी फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर सही लगता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेट डाल दी है 12 दिसंबर की, और नीचे वाले टेक्स्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक कॉपी और स्लाइड की बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लोकेशन लिख दूंगा, आप चाहें तो इसके आगे और स्लाइड्स बना सकते हैं जिसमें गेस्ट का नाम या प्रोग्राम वगैरह डिटेल्स भी आराम से लिख सकते हैं। ये टेम्पलेट अगर आपको चाहिए दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसे एक इसका लिंक शेयर कर दूंगा। पहले तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइबर्स को ही ये टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए अपना एक शानदार छोटा सा रील तैयार हो चुका है वेडिंग इन्विटेशन का, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग तरह के एनिमेशन इन बिटवीन स्लाइड्स भी लगा सकते हैं, अगर आपको सिंपल रखना है तो सिंपल भी रख सकते हैं। अब कुछ टेक्स्ट पर मैं स्लाइड लगा देता हूँ, तो हर स्लाइड में मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, एनिमेट पर क्लिक करूँगा,
और यहाँ से एक बेसिक सा एनिमेशन मैं यूज़ कर लूँगा। अलग अलग तरह के एनिमेशन मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप चाहें तो सिंपल या किसी भी तरह के एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एनिमेट इस तरीके से मैं सारे टेक्स्ट को एक एक स्लाइड के ऊपर जा करके एनिमेट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि एक एनिमेटेड ब्यूटीफुल सिनेमेटिक सा आपका जो वेडिंग इन्विटेशन है तैयार हो जाएगा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा टेम्पलेट बन करके रेडी है, और इस टेम्पलेट को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए, मैं इसे शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक बेहतरीन ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।